जारी रहेगा क्या इस तरह से? आज जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के द्वारा कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अच्छे इन्फोर्समेंट के लिए एक जो असेसमेंट हुई थी सरकार के द्वारा, उसमें जमशेदपुर के नगर निकायों के द्वारा बेहतर कंप्लायंसेस किया गया। उसी के तहत आज ये समिति संपूर्ण जिला के जो अर्बन क्षेत्र हैं 4, उनको स्मोक फ्री घोषित की। इस घोषणा के साथ ही संपूर्ण जमशेदपुर वासियों से, स्पेशली अर्बन इलाकों से, उपायुक्त के नाते, इस समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करता हूं कि जो धारा 4 है वो खुले में तंबाकू सेवन को अपराध बनाता है और उसका सख्ती से आप अनुपालन करें, अन्यथा आपके विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसके अवेयरनेस के लिए अगले 3 महीना एक्सटेंसिव अभियान भी चलाया जाएगा और व्यक्तियों को लाइसेंस देने की अर्बन बॉडीज के द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिसकी आज ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है और 3 महीना विशेष कैंप लगा के लोगों को हम लोग लाइसेंस भी देंगे। स्पेशली जो पैसिव स्मोकिंग होती है, अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग इसके शिकार होते हैं उनको इसका बेहद फायदा मिलेगा। एक बार पुनः सारे जमशेदपुर वासियों को, जमशेदपुर के अर्बन क्षेत्र को स्मोक फ्री बनाने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए पूरी टीम की ओर से धन्यवाद। जमशेदपुर जिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। आज हम लोग जमशेदपुर शहर में जो अर्बन बॉडीज है उसी में हम लोग स्मोक फ्री जोन घोषित किए गए हैं उपायुक्त महोदय द्वारा, और इसका जो जिला लेवल पे जिला स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा हम लोग इसको घोषणा किए हैं। और इसमें जो भी तंबाकू बेचने वाले हैं उन लोगों को लाइसेंस लेने के अधिकार रहती है, उनको लाइसेंस लेके आगे वो जो कोटपा का नियम है उसी बेसिस पे आगे उसको वितरण हो और लोग उसको फॉलो करें। यदि उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें उनके लिए मणि का दंड का पिनल प्रोविजन भी है और उनको न्यायिक रसद भेजने के लिए भी प्रोविजन भी है। हम लोग उसको पूरी तरह से लागू करेंगे। इसमें ये फॉलो करने में हम लोगों को जो पैसिव स्मोकर्स है उन लोगों के लिए हम लोग कम प्रॉब्लम्स जो हो सकती है और इसको हम लोग 100% पूरा अनुपालन शुरू करेंगे। कुछ दिन इसका अवेयरनेस चलेगा, उसके बाद हम लोग शुरू कराएंगे। अब वो है जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित करना। तो मैं विपुल बंधु है यहाँ पे, धूम्रपान मुक्त का मतलब ये कतई नहीं समझे कोई कि ये तंबाकू मुक्त जिला घोषित हो रहा है। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने से ताल्लुकात यह है कि कोटपा की जो तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के कुछ धाराएं हैं इन अपराध माना जाएगा और 200 क्षेत्र का जुर्माना। तो वो जो एक राज्य सरकार ने एक सर्वे करवाया सर 9 जिलों में, जिसमें से 7 जुडिक्शन, 12 जिलों में कराए, जिसमें से 7 जुडिक्शन कम्प्लाई किए सेक्शन 4 को में हाई कम्प्लाइंस है। ये भी नहीं कि 100% यहाँ पे मिल गया है स्मोक फ्री हर जगह रहा है, इसलिए इसको क्वालिफाई माना गया है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर पूरा ईस्ट सिंहभूम भी नहीं हुआ है स्मोक फ्री, ये सिर्फ अर्बन एरिया ही स्मोक फ्री आज डिक्लेयर किया जा रहा है। कई जिले पूरे जिला को घोषित किया गया है, क्योंकि पूरे जिले का जो डेटा आया है, सर्वे आया है, आंकड़ा आया है, उसके हिसाब से पूरा जिला क्वालिफाई करा है। जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम जिला नहीं हो गया, सिर्फ जमशेदपुर शहर को। एक बार धोजी में बदले इसके मेंबर हैं, सामने आ जाइएगा। अर्बन लोकल बॉडी शहरी नगर निकाय उनके लिए व्यवस्थित क्षण है, क्योंकि जो कोटपा की कंप्लायंस हम लोग के, मैं एक बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी ऑडियंस को, सभी पार्टिसिपेंट को, मीडिया के, कि ये तंबाकू मुक्त जिला घोषित हो रहा है। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने से ताल्लुकात ये है कि कोटपा की जो तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के कुछ धाराएं हैं, राज्य सरकार ने एक सर्वे करवाया सर 9 जिलों में, जिसमें से 7 जुडिक्शन, 12 जिलों में कहा, जिसमें से 7 जुडिक्शन कम्प्लाई किए सेक्शन 490+ जिला है, इसलिए इसको क्वालिफाई माना गया है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर पूरा इस सिंहभूम भी नहीं, कुछ शहर को आता है। जो मुझे वाले बंधु आ गए हमारे सर्टिफिकेट पहले साइन करवा लेते हैं, इनका मेन कोई काम नहीं,
क्योंकि साइन करवा लेते हैं, साइन करवा ये बात मैं एक बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी ऑडियंस को, सभी पार्टिसिपेंट को, मीडिया के, कि ये तंबाकू मुक्त जिला घोषित हो रहा है। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने से ताल्लुकात ये है कि कोटपा की जो तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के कुछ धाराएं हैं, राज्य सरकार ने एक सर्वे करवाया था 9 जिलों में, जिसमें से 7 जुडिक्शन, 12 जिलों में कहा जिसमें से 7 जुडिक्शन कम्प्लाई किए। सेक्शन 490 प्लस जिला है, इसलिए इसको क्वालिफाई माना गया है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर पूरा इस सिंहभूम भी नहीं, कुछ शहर थोड़ा सा मीडिया वाले बंधु आ गए हमारे सर्टिफिकेट पहले साइन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन में रख रहे हैं, इनका मेन कोई काम नहीं। क्योंकि